नमस्ते। भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा भद्रायाम सुमतो यतेन, कैसे हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे पुरातन ज्ञान परंपरा, भारतीय प्राचीन परंपरा एंशियंट और ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग करके एक सस्टेनेबल सोसाइटी, स्वस्थ सोसाइटी, आनंदित सोसाइटी, आनंदित समाज, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और हम तो भारतवासी सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः पर विश्वास करने वाले लोग, सबकी प्रसन्नता का हम हमेशा कामना करते हैं। तो ऐसी क्या बात है इस भारतीय ज्ञान परंपरा में, इसका थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। आजकल भारत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत बल दे रहा है। इस पर अध्ययन हो, इस पर रिसर्च हो, और कैसे रिसर्च और अध्ययन से हमारी जो एंशियंट ग्लोरी है, हमारी जो भारतीय ज्ञान है, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका उपयोग कैसे करें, खासकर एआई के जमाने में, एआई के युग में इन ट्रेडिशनल विधाओं का उपयोग कर समाज को बेहतर बनाने में, समाज को उच्चतम से उच्चतम दिशा में ले जाने के लिए, स्वस्थ और आनंदित समाज का निर्माण करने के लिए कैसे हम इस ज्ञान का उपयोग करें, आइए समझते हैं। तो एक्चुअली भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, ये कई चीज़ों को अपने आप में सम्मिलित करता है। इसमें आपका स्वास्थ्य भी होता है, मेंटल वेलनेस आता है इसमें, चाहे वो कॉन्शियसनेस स्टडी हो, हमारी जागृति से हम कैसे हमारे जागृत अवस्था से किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन क्यों ना हो, चाहे योगा क्यों ना हो, चाहे प्राणायाम क्यों ना हो, कैसे हम गणित के ज्ञान को, दवाइयाँ, मेडिसिन, योगा, वेदों के ट्रेडिशनल ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट हो, ट्रेडिशनल कल्चर हो, ट्रेडिशनल कस्टम हो, इन चीज़ों को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आने वाला समाज, आने वाला पीढ़ी इन चीज़ों से सीखे, प्रेरणा ले और आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ये जनरेशन एआई पर ही डिपेंड करता है, एआई पर निर्भर करता है। तो हम कहते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं, ये ट्रेडिशनल नॉलेज भारतीय ज्ञान परंपरा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ समावेश करके, दोनों को सम्मिलित करके, दोनों को जोड़ करके कैसे हमारी युवा पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सकती है। एंशियंट स्ट्रक्चर, पुराने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्ट्रक्चर बने, जो आर्ट बने, चाहे वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी हो, खगोल शास्त्र हो, गणित विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, इन सारे विधाओं का ज्ञान, यही इंडियन नॉलेज सिस्टम कहलाता है। और यदि देखा जाए तो इसमें हेल्थ और वेलबींग है, कॉन्शियसनेस है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, कल्चर है, सारी चीज़ों के अध्ययन को हम करते हैं, कम्युनिटी वेलनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम कम्युनिटी वेलनेस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, उच्चतम से उच्चतम स्वस्थ और आनंदित समाज का निर्माण करना, उसमें प्रमुख जो उद्देश्य होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को कैसे सुधार करें, तो उन ज्ञान का सदुपयोग करके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करते हुए अच्छे से अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, सस्टेनेबल समाज का निर्माण कर सकें, तो कैसे इन विधाओं का उपयोग कर सकते हैं, और ये विधाओं में ऐसी क्या बात है और क्यों अध्ययन करना चाहिए, और ये चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे समाज के लिए हो, फास्ट चेंजिंग आपका जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड चेंजिंग, एआई ड्रिवन चेंजिंग सोसाइटी हो, इन सबको कैसे वो लाभ पहुंचा सकता है, इसका अध्ययन भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार का या हमारे भारतवर्ष का नया एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद कि कैसे समाज में होलिस्टिक डेवलपमेंट, अच्छा अच्छा विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके, सार्वभौमिक विकास हो सके, जिसमें अच्छे चरित्र का निर्माण हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, वैल्यू एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, वसुधैव कुटुंबकम की बात को हम चरितार्थ कर पाएं, इन सारे चीज़ों पर जोर दिया गया है। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनका कैसे सर्वांगीण विकास चारों तरफ से हो सकता है। तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें और स्वामी विवेकानंद को याद ना करें, ऐसा कैसे संभव है? स्वामी विवेकानंद ने
जब 1893 में शिकागो में जो उनका ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव सकारात्मक इम्प्रेशन छोड़ दिया था वेस्ट के लोगों के बीच में, नहीं तो वेस्ट वाले भारत को एक अलग ही नजरिया से देखते थे, जब उन्होंने अपने ट्रेडिशनल विधाओं के बारे में बात किया, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात किया, हम लोग कैसे ऐसे होलिस्टिक विधाओं का अध्ययन और प्रैक्टिस करते हैं भारत में, इन सब चीज़ों का बात किया, तो वेस्ट के लोगों का, पश्चिम के लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो स्पिरिचुअल गुरु बने, अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु बने। और क्यों बने? क्योंकि हमारे पास जो रिच इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हमारे पास रिच भारतीय ज्ञान परंपरा के से भरे हुए हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा का भंडार है, उस भंडार को चाहे वो कल्चर में हो, एजुकेशन में हो, ट्रेडिशन में हो, मेडिसिन में हो, आर्ट में हो, कॉन्शियसनेस हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, मेटलर्जी हो, रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, इन सब के सब में जो भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित भारतीय ज्ञान के भंडार को उपयोग करते हुए कैसे हम विश्व गुरु बन सकते हैं, वो उस समय उन्होंने ये सपना देखा था। उन्होंने खासकर युवाओं को, सारे भारतीयों को, इन खासकर युवाओं को हमेशा बोलते थे कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो पश्चिम से लाइए, और यहाँ हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमारी जो भारतीय विधाएं हैं, भारतीय मूल्य हैं, मूल्यपरक शिक्षा है, मूल्यपरक जो ज्ञान है, उसको कंबाइन करें, उसको एक साथ जोड़ें, और जोड़ करके भारत को विश्व गुरु बनाएं। ये अलग बात है कि आज का युवा, आज का भारत टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, हम कोई वेस्ट से आज के डेट में कोई हम कम नहीं है। लेकिन उस समय स्वामी जी का सपना था, और उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इसका महत्व दिया गया है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, कैसे AI को, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ें, और क्यों जोड़ें, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट होलिस्टिक लाइफ, क्वालिटी हेल्थ को इंजॉय करने में हमको उसका एक इम्पैक्ट दिखे, हमको उसका एक प्रभाव दिखे। आज टुडे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कौन सा महत्वपूर्ण फैक्टर है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, प्रकृति सस्टेनेबल हो, प्रकृति बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, ऐसी प्रकृति का निर्माण कैसे करें, कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य, गुड मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमें होता है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। यदि मानसिक रूप से स्वस्थ न रहे तो शारीरिक अस्वस्थता हमारे अंदर आने में देर नहीं लगेंगी, और इसलिए मानवीयता की रक्षा कैसे करें, सभी लोगों का सम्मान कैसे करें, इन सारी चीज़ों का जो 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 मूल्यों का जो सार है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे जो पुराने समय में ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने जो काम किया है, उस ज्ञान का उपयोग AI को लगा करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह को लगा कर, कैसे हम उस ग्लोरी को वापस लाएं और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी गणित के क्षेत्र में काम हुए हैं, आपका जो ओरिजिन है, जो सूत्र है, वो भारत से निकलता है। सारे गणित का अध्ययन हो, गणित में जो अन्वेषण हो, शोध हो, उसका यदि सार या सूत्र देखेंगे तो भारत से निकलते हुए देखता है। तो वो कौन सा ऐसा अप्रोच था, कौन सी ऐसी विधा थी, कौन सी ऐसी बात थी मैथमेटिक्स में, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कैसे हमारे एंशियंट स्ट्रक्चर्स थे, कैसे उस समय के इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मेजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, या खाना बनाने के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, या वेसल्स थे, बर्तनों का निर्माण हम कैसे करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सा हमारी विधाएँ थे, तरीके थे, उसका हम अध्ययन करें। बहुत सारे जो यदि हम अध्ययन करें, आर्टिकल्स का, लिटरेचर का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि चाहे वो मेटलर्जी का क्षेत्र हो, चाहे मटेरियल साइंस का क्षेत्र हो, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑलमोस्ट आजकल ख़त्म होते दिख रहे हैं। खासकर मेटलर्जी, मटेरियल साइंस में जो पुरानी विधाएं थे, कैसे मेडिसिन, कैसे दवाइयों का निर्माण हम मटेरियल साइंस या मेटलर्जी को यूज़ करके कैसे हम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते थे, कैसे हम वेसल्स या किसी कुछ चीज़ों का निर्माण करते थे, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। तो उन विधाओं को हम फिर से जीवंत करें, उनको जीवन प्रदान करें, और खासकर AI को लगा के। केमिस्ट्री जैसे रसायन शास्त्र हुआ,
ऐसे को हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा कैसे कोडिफाई करें और बच्चों को उसमें जो इनहेरेंट जो बिल्कुल इंट्रिकेसीज होता है, जो गहन चीजें होती है, उसका उसका आसानी से कैसे हम बच्चों को समझा सके। न्यूमरस टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके डेवलप किए गए थे, चाहे वे लॉइज हों, चाहे एसिड हों, चाहे नमक हो, चाहे और भी बहुत सारे केमिकल्स उस समय कैसे बना लिए जाते थे। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उस समय विधाएं या तकनीकी उस समय उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद भी चाहे वो दवाइयाँ हो, कपड़े हो, टेक्सटाइल हो, आर्ट हो, कला हो, पेंटिंग्स हो, उस समय का पेंटिंग देखिए आज निकाल के देखिए करोड़ों में लाखों में बिकता है। तो क्या ऐसी तरीके थे, क्या ऐसा हमारा ज्ञान है जिसको हम वापस ला के इन पर हम गौरवान्वित कर सकें, चाहे वो ऋषि मुनियों का ज्ञान हो, चाहे दवाइयों का ज्ञान हो, चाहे हर्बल का ज्ञान हो। इन सारी चीज़ों को हम AI को लगा के कैसे अध्ययन करके अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकें, आयुर्वेदा योगा जैसे चीज़ों को हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, इन चीज़ों को कैसे हम उपयोग में ला सकें, इसके लिए जागरूकता भी लाना, ये हमारा एक उद्देश्य है भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत। चाहे वो आयुर्वेदा विपासना हो, जैसे मेडिटेशन हो, हिमालय हो, विपासना हो, हेल्थ हो, वेलनेस हो, कॉन्सियसनेस स्टडीज, हमारे अवेयरनेस या जागृत अवस्था को हम अनुशासित तरीके से कंट्रोल करके अपने स्वास्थ्य को उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका जो प्रमुख उद्देश्य है क्वालिटी और होलिस्टिक लाइफ कैसे हम जी सकें। और चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, हम रसायन शास्त्र की बात कर लिए, उस समय भी पॉलिटिकल चीज, चाहे वो चाणक्य की बात हो या और बाकी लोगों की बात हो, राजनीति शास्त्र हो, चाहे इकोनॉमी अर्थशास्त्र हो, उस समय कैसे हमारे इवन उनसे भी पहले महाभारत में, चाहे वो रामायण में, उस समय की राजनीति शास्त्र, उस समय अर्थशास्त्र को कैसे समझाया गया, चाहे वो शुक्राचार्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, ये कैसे उस समय राजनीति और अर्थशास्त्र को समझाया, उस ज्ञान को जरा समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। आपका जो हमारा भारतवर्ष है, एक महान राष्ट्र है जिसमें लगभग 64 कला है, कला के अलग अलग तरीके हैं जिसको उपयोग करके हमारे जीवन को हम बहुत रिच कर सकते हैं, मूल्यवान और धनवान बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इन सब का उपयोग, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आर्टिस्ट का नॉलेज हो, चाहे लेगेसी हो, चाहे वो हमारे महाभारत और रामायण के ज्ञान हो, उनका उपयोग करें, फिलासफी हो, टेक्निक्स हो, और इन चीज़ों का कैसे हम उपयोग करें, दोहन कर सकें, और इस पर न केवल स्टडी करें, कंटेंट क्रिएट कर सकें, डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, लोगों को अवेयरनेस कर सकें, क्रिएट कर सकें, जागरूक कर सकें, और अच्छा जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित कर सकें। ये हुआ हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा। तो आज यदि हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारा भारत सरकार है, उसने एक IKS डिवीज़न खोल के रखा है, जिसमें IKS के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत इंटरडिसिप्लिनरी, एक दूसरे विधाओं के बीच का, ऐसा नहीं कि आप रसायन शास्त्र में काम कर रहे हैं तो आप AI नहीं लगा सकते, या आप राजनीति में काम कर रहे हैं तो कला को नहीं जोड़ सकते, कैसे इन सब का संगम करके एक अच्छा रिसर्च ट्रांसडिसिप्लिनरी हो या मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च करके हम IKS के नॉलेज को डिसेमिनेट कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें, जागरूकता ला सकें, जिससे बहुत ही उत्तम समाज का, स्वस्थ और आनंदित समाज का निर्माण हो सके और दुनिया को हम राह दिखा सकें। ट्रेडिशनल नॉलेज, चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, केमिकल साइंस हो, मटेरियल साइंस हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, वेलनेस हो, कॉन्शियसनेस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, आर्ट हो, ट्रेडिशनल हो, रिच कल्चर हो, इन सारी चीज़ों को, चाहे वो संस्कृत का ज्ञान हो, चाहे भाषा का ज्ञान हो, भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो, कैसे हम भारतीय भाषाओं में चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकते हैं वेदों का अध्ययन करने से, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, इन सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना, और इन सारी चीज़ों का जो मूल्यों का जो सार है वो निहित है, उस परंपरा को हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से आपको थोड़ा जरूर ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। मैंने ऑलरेडी अंग्रेजी में इसका रिकॉर्डिंग करके उपलब्ध कराया है, लेकिन मुझे लगा कि इसी को हिंदी में थोड़ा सा रिकॉर्ड करके मेरे जो हिंदी के रीडर्स हैं, हिंदी के जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके लिए मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करके उपलब्ध कराया जाए। तो ये मेरा उद्देश्य था। आजकल सभी लोग अंग्रेजी भी समझते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोगों को हिंदी में अच्छा रहेगा, तो मुझे लगा कि हिंदी में इसको रिकॉर्डिंग कर लिया जाए।
और उपलब्ध कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।